नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आज मैं आप लोगों को डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप लोगों ने बार बार कमेंट कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, रिजल्ट कब आ रहे हैं, रिजल्ट कब आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने दूसरे चैनल्स के जो वीडियो है, यूट्यूब वीडियो, उनको मेरे पास भेज रहे हैं। एक ने ऐसा भेजा कि मैं तो चला रिजल्ट देखने, आप कब देख रहे हो। दोस्तों, मैंने भी उस वीडियो को देखा, गजब की बात है। रिजल्ट आया नहीं और रिजल्ट देखने की बात, कितने लोगों ने ऐसे वीडियो भेजा कि आज कन्फर्म आ जाएगा, कल आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। दोस्तों, मैं एक बात बोलूँगा कि आपका वेबसाइट आपके पास है, आप उसको खोलिए, किसी की बातों को भरोसा मत करिए। वहाँ पर वेबसाइट में दिया गया नोटिफिकेशन सबसे सटीक है, उसमें कोई बरगलाने की बात नहीं होती है। नहीं, वो आपका 9-6 हो सकता है। NIS के चेयरमैन ने जो एक मैसेज दिया था कि 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन आज तक आया नहीं है। आज 3 अगस्त है, कल 4 अगस्त होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कल 4 अगस्त को भी आपका रिजल्ट आएगा। इस तरह की कोई नोटिफिकेशन NIS के वेबसाइट पर कहीं भी नहीं है, आप कहीं भी सर्च कर लें, लेकिन इसका कहीं भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। NIS सेक्शन गया, रिजल्ट सेक्शन गया, DLED का टीचर सेक्शन गया, हर सेक्शन में मैंने ढूंढा, लेकिन किसी भी तरह का अपडेट्स नहीं है। हो सकता है कल दे दे, लेकिन कल की चांस बहुत कम है। फिर भी उम्मीद रखिए। और दूसरी बात कि मैं प्रत्येक दिन लगभग 4-5 घंटे के अंतराल पर वेबसाइट को चेक करता हूँ, कोई नया नोटिफिकेशन आया क्या। मैं संक्षिप्त रूप में, मैं तो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बताता हूँ, आप मेरे वेब चैनल पर देख रहे होंगे कि मेरा केवल और केवल स्टडी से रिलेटेड वीडियो रहता है। कभी कोई नया अपडेट्स आता है जो आपके लिए ज़रूरी होता है, तभी मैं कुछ बोलता हूँ। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से संबंधित कोई लिंक आएगा, मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगा। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से जान लें कि YouTube में लोग बोलता कुछ और है और होता कुछ और है। आप अपनी विवेक से काम करें, दूसरे की विवेक को नहीं अजमाएं। आप खुद पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, आप NIS का वेबसाइट को जाएं, DLED सेक्शन को जाएं, वहाँ पर रिजल्ट ऑप्शन आता है, उस रिजल्ट ऑप्शन पर जाएं और वहाँ पर आप हमेशा चेकअप करते रहें। अपनी समय को मत बर्बाद करिए, अपनी समय को पॉजिटिव कामों में लगाइए। 10 मिनट आप एक YouTube वीडियो को देखने में बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा है 10 मिनट का आप एक अपना स्टडी वाला वीडियो देख लीजिए। नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन के जो इसका ऑप्शन है, उस नोटिफिकेशन ऑप्शन को 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यदि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको मिल जाएगा कि रिजल्ट कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो तो दोस्तों, देखिए कब तक आएगा, और मैं जो भी बोलता हूँ सटीक बोलता हूँ। मुझे बार बार
आपको भरमाने की मैं नहीं सोचता हूँ। इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कर दें। रिज़ल्ट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं सबसे पहले इसका वीडियो बनाकर आप सबों को सर्कुलेट करूँगा। आप मेरे पास लगभग 10,000 व्हाट्सएप नंबर आप लोगों का है, ग्रुप में जुड़ा हुआ है, मैं सभी ग्रुपों में तुरंत शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दें ताकि हकीकत को लोग जान जाएं और अपनी पेशेंस को बनाए रखें। मेरे चैनल पर आपने बहुमूल्य ध्यान समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।